हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, उनके सिलेबस, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं, कोई आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं सक्सेस स्टोरीज़ भी, क्योंकि उससे आपका मार्गदर्शन होता है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर आपको लग रहा है आप थोड़े से भी डगमगा रहे हैं, तो आप फिर बिल्कुल और डबल मेहनत करके दृढ़ निश्चय के साथ वापस अपने लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और कभी कभी हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपकी बहुत मदद करते हैं आपकी तैयारी करने में। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके हर परीक्षा में, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत मदद करती हैं आपका लक्ष्य प्राप्त करने में। ऐसी ही एक ख़ास बात होती है जिसका अगर हम हर वक्त ध्यान रखें तो बहुत कामयाब हो जाते हैं हम, सफलता पाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं हम और आगे बढ़ते रहते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये तो सच है दोस्तों कि सफलता किसी को भी आसानी से नहीं मिलती है, और ख़ासकर तो छात्रों को। किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए छात्रों को दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही साथ ऐसी आदतों को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है जो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। आज मैं ऐसी ही आदतों के बारे में आपको जानकारी दूंगी जो हर सफल छात्र अपने जीवन में अपनाता है। सबसे पहला, टाइम टेबल बनाकर पढ़े। सफल स्टूडेंट के जीवन का सबसे पहला मूल मंत्र होता है ये कि आप टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यह उनकी खास पहचान होती है दोस्तों। जी हाँ, टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से छात्रों को बहुत से फायदे मिलते हैं। इससे जहाँ आपके सभी विषयों की तैयारी संतुलित रूप से हो जाती है और कोई भी विषय छूटता नहीं है, वहीं टाइम टेबल बनाने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि आप समय के अंदर ही अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। इसके विपरीत जो छात्र टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, उनका सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से उन्हें कई बार कठिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। तो आप कठिन विषयों को पहले पढ़ें, और सभी छात्रों को अपना पसंदीदा और नापसंद का ज़रूर पता होता है ना, गलत तो नहीं है। चलिए दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने का बहुत फ़ायदा मिलता है। नोट्स बनाते समय वह विषय अपने आप आधे से ज़्यादा याद हो जाता है, और रिवाइज करने पर सब कुछ अच्छी तरह याद हो जाता है, जिससे परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। इसलिए आपको भी नोट्स बनाने चाहिए। तीसरा है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना। हमेशा सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। सिलेबस के अनुसार पढ़ने से कोई भी विषय छूटता नहीं है और समय पर पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाता है। पढ़ाई का समय अगर आप निर्धारित कर लेंगे तो आप सफल होने में और ज़्यादा पास हो जाएंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन निर्धारित समय पर पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आप अपनी योजना भी बना सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी भी प्लान कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे तो दोपहर में 12 से 3 बजे तक पढ़ सकते हैं, चाहे तो शाम को 5 से 9 बजे तक पढ़ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको कब सबसे अच्छा लगता है पढ़ाई करना। वैसे तो पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, लेकिन आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पर एक निश्चित समय अगर आप बना लें तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपकी आदत भी पड़ जाती है। नियमित पढ़ाई करें। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। ज़्यादातर छात्र छात्राएं शुरू में तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। कभी कभी बीच में 1 से 2 महीना या 15 दिन या किसी भी अवधि के लिए पढ़ाई तक बंद कर देते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं, और यह आदत बहुत से छात्रों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित तौर पर पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
परीक्षा में सफलता पाने के लिए हर महीने आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। इसे प्रैक्टिस टेस्ट भी कहते हैं और इसके बारे में डिटेल में मैं पहले भी आपके लिए वीडियो ला चुकी हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि आखिर मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्या है और क्यों देना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयार करता है, क्योंकि ये देने से आपको पता चल जाता है कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद है। अच्छे दोस्त बनाएं। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अच्छे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है। सभी को पता है कि संगत का बहुत असर होता है और यदि आप अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे तो अच्छी बातें आप सीखेंगे भी, यदि बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे तो बुरी आदतें सीखेंगे। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों की एक आदत यह भी होती है कि उन्हें जो विषय कठिन लगते हैं उसे वे अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट में जो तथ्य समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो उसे आप ग्रुप डिस्कशन करके आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको अपनी गलतियों से सीख भी मिलती है। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। उदाहरण के लिए, जैसे अगर पिछली परीक्षा में कुछ विषयों में आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं लेकिन मैथ्स में आपके नंबर कुछ कम रह गए हैं तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अगली बार आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ्स पर और उस परीक्षा को आपको पास करना है। इसे कहते हैं अपनी गलतियों से सीखना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आई थी, जो आपको तैयार करेंगे एक सफल कैंडिडेट बनने के लिए, जो आपको तैयार करेंगे एक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मैं फिर मिलूंगी दोस्तों आपसे यहीं पर अपने इस YouTube चैनल पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और आप अपडेटेड रहें इसके लिए ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अगर आप नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्ते।